अपनी अपनी जॉब छोड़ के सारा सामान गाड़ी में पैक करके हम निकल पड़े हैं 9 महीने लंबी इंडिया की रोड ट्रिप पर। सुबह से भूख लग रही है, कुछ भी खाने को नहीं मिला है, पहुंच नहीं पा रहे हम। देखो और पूरे में जाम ही जाम है, सड़क बंद रही है, कब मिलेगा खाना यार। बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत तेज जल्दी चलाओ वाले। 9 मिनट और इंतजार। ओके, तो हमारा रूम शुरू होते ही खत्म हो गया है। आ जाओ, 3, 2, जल्दी बैग तो रखो, लैपटॉप है उसमें। सोमनाथ से लगभग 80 किलोमीटर ड्राइव करके हम आ पहुंचे हैं दीव में। हमारी ऑल इंडिया रोड ट्रिप जिसमें हम सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करने वाले हैं, उसमें दीव पहली यूनियन टेरिटरी है। छोटे से सुंदर से दीव में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमने शॉर्टलिस्ट करा दीव फोर्ट, नाइडा केव्स, हेरिटेज वॉकवे एंड INS खुकरी, जो कि इकलौता वॉरशिप है जिसे हम अंदर से घूम सकते हैं। चेक इन करने के बाद हम सीधे निकल जाते हैं दीव फोर्ट की तरफ। हम आ गए हैं दीव फोर्ट। ये देखो, यहाँ पे इतनी सारी हैट मिल रही है, लेनी है? I have the best one. ले लो, एक और ले लो। टाटा, काफी अच्छा पानी भरा हुआ है। This was a Portuguese settlement. Just like Goa. बहुत तेज धूप हो रही थी और बहुत तेज भूख लग रही है, तो हम तो जा रहे पहले खाना खाने। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ये टिकट कितनी देर की है? अभी वापस आ रहे खाना खा के। अपना होटल फूड लैंड पंजाबी चाइनीज यही खाएंगे हम। सिंगल एंट्री 22,50। तो हमारा वेलकम टू दीव हो गया है। हम लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गए थे, तो रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। हमें यहाँ पर खाने नहीं मिलेगा, पर हमने ऑर्डर कर दिया, पार्सल करेंगे। पार्सल तो क्या करेंगे, कार में बैठ के खाएंगे। तो रोड ट्रिप की पहली मील ऑन व्हील्स आज होने वाली है। हालांकि व्हील रुके हुए होंगे पार्किंग लॉट में, तो ठीक है। 5 मिनट में लंच इज रेडी। बचा हुआ था जो सारा का सारा दे दिया है हमको, और अब हम जा रहे हैं इसको खाने। हपड़ हपड़ आज ही कहा दुलवाई थी, आज मैं इस पर दाल गिरा हूँ। आप चम्मच तो है नहीं, देखो खाना और प्लेट और नहीं गया। ओ, प्याज व्याज भी मिल गया हमें। Not bad. अगर अभी अपन हेल्दी खाना ढूंढने चले जाते तो हम सनसेट पे दीव फोर्ट नहीं घूम पाते। एक साल पहले ना मैं ही खाना नहीं खा रही हूँ। भाव खा रही होती खाने की जगह। But like eating really clean, you know, no junk, no sugars, like that. वो एक अलग लाइफ थी, ये अलग लाइफ है। ये पोर्टुगीज सेटलमेंट था। अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। तो ये पोर्टुगीज सेटलमेंट था, हमारी किस्मत में नहीं आज कि हम इसको शूट कर पाए, कोई बात नहीं। The Dieu Fort, called Fortaleza de Dieu in Portuguese, एक फोर्ट्रेस कासल है जो कि भारत के वेस्ट कोस्ट पे 16वीं सदी में बनाई गई थी। इट ओवरलुक्स द अरेबियन सी इन अ पैनोरामिक व्यू। यहाँ पर कुछ पुरानी तोपें भी रखी हुई हैं।
पर एक चर्च भी है। फोर्ट के ऊपर तक क्लाइंब करके आप यहाँ का खूबसूरत लाइट हाउस जरूर देखें एंड वॉच द ब्रेथ टेकिंग सनसेट फ्रॉम द टॉप। Dancing in the air among the stars, so fair the world is but mesmerized. There are landscape gardens within the fort, जहां आप पेड़ों के नीचे रेस्ट कर सकते हैं। यहां पर शाम को एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, which is worth a watch. किस्मत में नहीं है शूट करना। भैंस की तरह हकाला है ना हमें। भागो। यार हम लेट भी हो गए थे। बंद करने का टाइम हो चुका था, चला था। भाग भाग के हमने कोई शॉट्स लिए। इतना टाइम चढ़ाया है ना आज। विजुअल सीन द वीडियो। आई थिंक मुझे पता चल गया मुझे सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है। दौड़ने में। मुझे टाइम चुराने में मजा आता है। कोई मना कर दे। हमारे पास दो रास्ते है, इधर चले गए इधर। किधर? उधर। इधर। आप हमें दो कप बॉइलिंग पानी दे देंगे, हम टेस्टी बनाएंगे। थैंक यू। पूरे 150 रुपए का है। आज हमारा एडिट डे है, आज हम कोई शूटिंग नहीं करेंगे। ये शूटिंग नहीं हो रही है, जो भी हो रही है। आज तो पूरा दिन यहीं बैठना है, यहीं पे एडिटिंग चलेगी। सुबह तो हो चुकी है, शाम तक रात तक। एक घंटा और सो। सूरज आ जाएगा। ये हमारा रूम है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और ये छत है हमारी, जिसमें मैं ऐसे अंगड़ाई लेता हूँ। इसमें दो बार तो मेरा हाथ आ चुका। तो अच्छा है, सर्दियाँ तो हम पंखा धीरे चला रहे हैं, अभी बंद किया हुआ है, नहीं तो आ जाता। परसों हम लोग आए थे इधर, दीव फोर्ट है, इसमें हमने शूट किया था। अभी ये पार्किंग वाली जगह है, इसमें से हम जा रहे हैं फोर्ट के पीछे। इन रॉक्स पे चलना तो बहुत ही मुश्किल है, पैर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। बहुत ही मुश्किल से चलते हुए ये दीव फोर्ट के साइड में समंदर की ओर झांकती हुई ये विशाल चट्टानें एक आजाद पंछी होने का एहसास दिलाती हैं। आप दीव आए तो यहाँ पर सनराइज बिल्कुल मिस मत करना।
सुबह की पिक्चर्स तो यहाँ लाजवाब आती हैं। हम तो जल्दी आए थे, सोचा था पार्किंग नहीं लगेगी। लग जाएगी? लग ही जाएगी ना सर। अरे यार, आप सब्सक्राइब करने लगे? हाँ, ये पीछे लिखा है ना, सब्सक्राइब करो ना। ऐसा कर देंगे। हम घूम रहे हैं दीव की सड़कों में और हमें तलाश है एक सैंट पॉल चर्च की। सैंट पॉल स्कूल बस दिख रही है वहाँ से। ऐसे तो यहाँ से ऐसे होगा ना। दीव इज एक्चुअली कॉल्ड अ मिनी गोवा, बट डू यू थिंक इट इज गोवा जैसा तो नहीं है, पर अपने आप में थोड़ा अलग है। वैसे यहाँ पे एक बीच है। हम गलत आ गए। यहाँ पे दो बीच हैं। एक बीच का नाम है जलंधर बीच और दूसरे बीच का नाम है ना गोवा बीच। वो गोवा नहीं है, इट्स ना गोवा बीच। They've clarified it for everyone। यहाँ जाना है हमें। यहाँ पे तो काम चल रहा है। ये तो बंद लग रहा है। बंद है? ओके, तो ये बंद है। अब चलो वापस INS खुकरी। हम पहले भी आए थे INS खुकरी। ये है INS खुकरी। खुकरी क्या होता है? खुकरी हाँ, नेपाली लोग रखते हैं ना, काटने वाली कटाल। क्या गोरखा रेजिमेंट रखती है? ओके, इट्स अ वेपन, छोटा सा ऐसे जो इसमें रखते हैं। हम खुकरी एक घंटा पहले भी आए थे, लेकिन यहाँ पे भैया ने बोला कि अभी स्टाफ कम है, अब आधे घंटे बाद आना। उन्होंने हमें चर्च भेज दिया, लेकिन चर्च भी बंद था। हम वापस आ गए, अभी भी खुकरी बंद है। ये लो तुम्हारे लिए छोटी वाली खुकरी चालू है, इसमें आ जाओ। बड़ी खुकरी छोटी खुकरी, बड़ी खुकरी छोटी खुकरी, बड़ी खुकरी छोटी खुकरी। और ना से टंग ट्विस्टर। हम खुकरी के खुलने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको फिजिक्स समझने में कोई दिक्कत आती है, तो मेरे फिजिक्स के क्रैश कोर्सेज हैं, फुल सिलेबस कोर्सेज हैं, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कलरफुल ग्राफिक्स को बनाया है, ताकि कॉन्सेप्ट सीधे आपके दिमाग में जाए। और इन कोर्सेज की जो सबसे खास बात है, कलरफुल नोट्स, वो मैंने एब्सोल्युटली फ्री कर दिए हैं। तो अभी के अभी आप उन फ्री कलरफुल नोट्स को डाउनलोड करो, और अगर आप साथ में पढ़ना चाहते हो फिजिक्स को मज़ेदार तरीके से, तो आप मेरे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया यार, क्रैश अप की पिच बोलते बोलते मैंने गोबर पे पैर रख दिया। गोबर था कि इंसानी टट्टी, पता नहीं। यार मैं पूछ के आई, वो बोल रहे हैं कि ये कब खुलेगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। सो यू कैन जस्ट वेट फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। ऑल्सो ये बंद है, नायडा केव्स बंद है, एंड आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग थिंग। अगर तुम वहाँ देखोगे ना, पानी के बीच में, उसको बोलते हैं पानी कोठा जेल, जो पोर्टुगल राज में, दिस यूज टू बी लाइक अ काला पानी जेल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये भी बंद है, यू कांट सी इट, सिर्फ बीच ओपन है ही सर। This is INS Khukri, which is a warship and a museum. तो जब इंडो-पाकिस्तान वॉर चल रहा था 1971 में, उस वक्त वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, ये पहली ऐसी वॉरशिप है जो सबमरीन से ढह गई थी। टॉर्पीडो मारा था उसने। टॉर्पीडो मार के डुबा दिया था इसको। की थी। And around 176 sailors and 18 officers were killed on board. ये म्यूजियम है, जो खुलता है तो आप आके इसको देख सकते हैं। मैं और एक बात बताऊंगी। हाँ। गुस्सा तो नहीं होगी? क्या तोड़ा? तोड़ा नहीं यार, वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, दीवार के किनारे किसी ने पॉटी कर रखी थी, उस पर मेरा पैर आ गया। नो, अब गोबर नहीं था, वो इंसानी पॉटी है। क्या करूँ, जूते फेंक दूँ? तुम्हारे जूतों के ऊपर है, वो नीचे भी नहीं है। बाय बाय तो पहन लेते। मैं मुझे अलग अलग पहन के आया हूँ। बाय बाय जूतों, बहुत मज़ा आया, पर जो तुम्हारे ऊपर मैं तुम्हें धो नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ ट्रैवल।
और बहुत बदबू आ रही है। ये दरवाजा तो बंद है लेकिन अंदर कोई है, यानी कि उम्मीद कायम है। खोल रहा है, खोल रहा है। ये केव्स में जा सकते हैं क्या? बाहर से देख सकते हैं। अंदर काम चल रहा है, इसलिए वर्किंग प्रोग्रेस। नाइडा केव पे ताला लग गया है, तो अब हम क्या करें? क्या ड्यू के ऊपर हवा में एक बोर्ड लगाना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन डू नॉट विजिट। सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ बंद है यार। कोई बात नहीं। और देखो कुत्ता कैसे मस्त दौड़ रहा है। ये जरूर जा पाएगा नाइडा केव। एंड इसको मिलेगी वीआईपी एंट्री। वो हो गया पास, गया 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 गया। और हम हैं नाइडा केव्स के इस तरफ। आई थिंक ये यहाँ पे हेरिटेज वॉक है। और ये हेरिटेज है, वॉक तो हम करेंगे। हाँ ये हेरिटेज है, हम वॉक करेंगे यहाँ पे। ओह वाह, दिस इज हेरिटेज वॉक। नाइडा केव्स बंद होने के बाद हम आ चुके हैं हेरिटेज वॉकवे पे। ये पूरा का पूरा हेरिटेज वॉकवे है, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप है कि हिम्मत नहीं हो रही है अभी कुछ कर पाने की। हाँ सिर्फ बीच का पानी टच करके आएंगे हम, सिर्फ पानी छू करके आ जाएंगे। और ध्यान रखूँगा मैं पॉटी पे पहन आ जाए, यहाँ बहुत सड़कों पर पॉटी है। और कुत्तों से ज़्यादा, गायों से ज़्यादा इंसानों की पॉटियाँ भी बहुत है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई यार, ये काफ़ी लग तो अच्छा रहा है, इंटरेस्टिंग। अच्छा एक बात बताओ। हाँ क्या? छोड़ो, इंसान और जानवर की पॉटी में तुम्हें फ़र्क कैसे पता चलता है? और पहली बात तो साइज से पता चल जाता है। क्यों हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तुम्हें बता रहे थे इंसान की है जानवर की है। यार बहुत तेज धूप है। ओ कुत्ते का नाम लिया, कुत्ता यहाँ पे है। कुछ चिपक ही गया पैर में। कितनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। हाँ यार इतनी धूप में ये क्यों घूम रही है? मेरे को तो मेरा स्कर्ट घुमाने का बहाना चाहिए। झुलस गए, झुलस गए। ओह मेरे को हेड चाहिए। सॉरी एक ही अकोमोडेट कर दिया। हाँ सारा सामान पैक कर लिया है और अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। एक छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है। आज हम एक यूनियन टेरिटरी जहाँ पर अल्कोहल अलाउड है वहाँ से जाने वाले हैं गुजरात में जहाँ पर अल्कोहल बैन है। तो डेफिनेटली एक जगह हमारी चेक पोस्ट पे चेकिंग होने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि पूरी की पूरी गाड़ी में सामान इतना सारा भरा हुआ है, अगर उन्होंने खुलवा लिए सारे के सारे बैग तो हमारा एक घंटा बर्बाद हो जाना है। सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो आएंगे YouTube पे। कितने दिन से निकले हो? अभी हम वर्ल्ड कप से निकले थे, 9 महीने का ट्रिप है। बंद कर दो।